माँ बंगला मुखी धाम गुलमोहर सिटी नज़दीक लम्मा पिंड चौक चार अंदर में माँ बंगला मुखी जी के निमित्त श्रृंखलाबद्ध साप्ताहिक दिव्य हवन यज्ञ आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान जगदीश डोगरा से सपरिवार वैदिक रीति अनुसार पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, नवग्रह पूजन उपरांत हवन यज्ञ में नाहूतियाँ डलवाई गई। सिद्ध माँ बंगला मुखी धाम के प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज जी ने दिव्य हवन यज्ञ पर उपस्थित माँ भक्तों को मनुष्य जीवन में तप का व्याख्यान करते हुए कहा कि जैसे सोना तपकर चमकदार कुंदन बनता है, आटे को तपाने पर रोटी बन जाती है, दूध को तपाने से मावा बनता है, ऐसे ही तप करने से आत्मा उज्जवल बन जाती है और इच्छाओं का त्याग कर तप करना ही उत्तम तप है। इस अवसर पर राकेश प्रभाकर, रिंकू सैनी, अमरेंद्र कुमार शर्मा, नवदीप उदय, अजीत कुमार, रोहित भाटिया, सुधीर, सुमित सहित असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। हवन यज्ञ उपरांत विशाल लंगर भंडारी का आयोजन भी किया गया। जय माँ बगला मुखी जी। आज माँ बगला मुखी ताम जो कि गुलमोर सिटी लम्मा पिंड चौक के उस्थित है, माँ के भव्य मंदिर के अलौकिक हवन यज्ञ जे हर वीरवार किए जाते हैं, उस कड़ी के जोड़ा वीरवार का हवन यज्ञ किया गया और भगत जड़े है वो सवेर तो ही मंदिर परिसर में पहुँच के उन्होंने महामाई का आशीर्वाद लिया और हवन आहूतियाँ पाइया। महामाई उन्होंने कृपा करे, सारे भगत जड़े खुश रहन, तंदुरुस्त रहन और महामाई की कृपा उन्होंने बनी रहे। माता जी का बोल साची दरबार की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य। महामाई बगला मुखी जी दे इस ताम पावन दरबार माँ बगला मुखी ताम गुलमोर सिटी जो कि लम्मा पिंड चौंक के नज़दीक स्थित है, महामाई की कृपा दे नाल हर गुरुवार को निःशुल्क हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता है। उसी पड़ा दे विच अज भी महामाई के दरबार से एक विशाल अलौकिक दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन होया। दूर दूर तो आई संगत ने महामाई के दरबार से पहुँच के महामाई के चरणों के अपनी अरदास बेनती की है और हवन यज्ञ आहुतियाँ डालियाँ। साड़ी जगदंबा के चरणों यही बारंबार प्रणाम है और यही अरदास बेनती है, जगदंबा अपने भगतों के उत्ते अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो, शरीरिक निरोगता दो, घर परिवार सुख शांति दो और जोड़ा भी भगत थोड़े जिस भी भाव के नाल दरबार से हाजिर होया महामाई वो जी हाजरी है प्रवान कर दे हर पास। बगला मुखी माता जी का बहुत साचे दरबार की जय।